लता होती है और जहाँ लता होती है सचिन होते हैं। लता क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन तो सचिन लता जी की आवाज के दीवाने और इसी दीवानगी से बना है दिल का रिश्ता। आज तक आगे बढ़ाएंगे भारत रत्न के दो भारत रत्नों की मुलाकात को इस छोर से देखेंगे। Talk Talk's lowest priced TV package now comes with 3 months of Picture Box films on us. That's 60, huh? बात कुछ सियासी खबरों की बेहतर होते रहे। कायदा साहब से इनकार ने कहा है कि हुकूमत दहशतगर्द से मुज़ाकरात में एहतियात से काम ले। दहशतगर्द इस्लामाबाद का कैसे वोट दूंगा, नहीं दूंगा। अच्छा हाँ, तो यार 76 आ जा रहा है पूरे बिहार में, आप पता कर सकते हैं। आप मीडिया वाले हैं, Sankarshan Thakur, who authored a book on Nitish recently, has a more nuanced take on the unraveling of the Bihar transformation. As I say in my book, the development story in Bihar has been, it has been a story of a turnaround, but it has been a very jagged and uneven turnaround. I think much more requires to be done. I think for every issue that has been paid लता जी सचिन जी फैन, लता को माँ मानने वाले सचिन जी उनके फैन नहीं है। उनके पास लता के गानों का एक भरा हुआ कलेक्शन है। जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उन्हें सुनते थे, जब रिटायर हो गए तब भी सुनते हैं। ये वो दीवानगी है जो ताउम्र साथ निभा रहा है। लता मंगेशकर का हर गाना सचिन को बेहद प्रिय है। सचिन सिर्फ और सिर्फ लता जी के गाने ही सुनना पसंद करते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि सचिन का मूड जैसा होता है वो इसी मूड के गाने सुनते हैं, लेकिन तो सारे गाने लता जी के ही होते हैं। सचिन अक्सर फुर्सत के पलों में लता मंगेशकर की सुरीली आवाज से अपना मन बहलाते हैं। वो अक्सर जब सफर में निकलते हैं या फिर सफर कर रहे होते हैं तो उनके कानों में लता जी के गाने ही बजते रहते हैं। बचपन से सचिन लता जी की आवाज से दीवाने और दिल का रिश्ता भावनाओं की जोर से बैठा हुआ। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने 5 विकेट से पाकिस्तान को हरा दिया।
पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। 18 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद मिस्बाह, फवाद आलम और उमर अकमल की पारियों से बदलकर पाकिस्तान ने 260 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 46.2 ओवर में ही आसानी से 5 विकेट के नुकसान का 261 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका के लिए त्रिमणि ने शानदार शतक लगाया तो वहीं जयवर्धन ने 75 रनों की पारी खेली। एशिया कप में श्रीलंका पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन फाइनल मैच में शतक बनाने वाले त्रिमणि ने बनाए। त्रिमणि ने टूर्नामेंट में 5 मैचों में 279 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी के मोर्चे पर पाकिस्तान के सईद अजमल और श्रीलंका के लसिथ मलिंगा ने 11-11 विकेट लिए। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी और पूर्व इलाहाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद कैफ का कहना है कि राजनीति उनके करियर की दूसरी इनिंग होगी जिसे वो उतनी गंभीर